नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। वक्त है इस रफ्तार का। छिंदवाड़ा में तीन चोरियों का हुआ खुलासा। जब्त किए गए सोने चांदी के जेवर। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी चोरियां। ब्रिटिश काल के सिक्के भी जब्त। छिंदवाड़ा में आपदा से घबराए नहीं, बचाव करें। स्वयं सेवियों ने सीखे आपदा प्रबंधन के उपाय। आपदा प्रबंधन की दो दिवसीय कार्यशाला। आपदाओं से निपटने की रणनीति पर चर्चा। छिंदवाड़ा में आगामी आयोजनों को लेकर शांति समिति की बैठक। शांति सद्भाव के साथ मनाया जाएगा भूजुलिया उत्सव। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। मंदसौर में नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लग रहे पंख। लगातार 9 बार अवार्ड से नवाजा गया। 8 बार कायाकल्प अवार्ड के बाद NQAS अवार्ड मिला। बड़ा मलहरा में कार में मिली 53 पेटी शराब। पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी, एक फरार। पुलिस कर रही तलाश। खालवा में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे ग्रामीण। स्कूल से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल। टपकती छतों के नीचे पड़ने को मजबूर बच्चे। हटा में PM मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन। कलेक्टर सुधीर कोचल ने लिया जायजा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भैरुंदा में हर घर तिरंगा अभियान। SDM भैरुंदा ने जनता से अपील की। 13 अगस्त को निकलेगी विशाल रैली। भिंड कलेक्टर पर FIR कराने पहुंचे जीतू पटवारी। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से की बहस। पटवारी बोले, आपने तांडव मचा दिया। रैठी में महिलाओं द्वारा निकाली गई कांवड़ यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भगवान शिव का किया जल अभिषेक। भिंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के फूटे आंसू। रैली को संबोधित करते हुए मंच पर फूट कर रो पड़े। अधिकारियों को कहा BJP का एजेंट। चित्रकूट में आजादी के 77 साल बाद भी धर पहाड़ में नहीं है विकास। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर। लोगों को नहीं मिल रही स्वास्थ्य सुविधाएं। शाहजहापुर में जर्जर भवन पर प्रशासन ने की कार्रवाई। अत्यधिक जर्जर 7 से 8 मकान को गिराया। प्रशासन ने दिया था 24 घंटे का नोटिस। इंदौर में तिरंगा अभियान को लेकर प्रेस वार्ता। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने की चर्चा। 13 से 15 अगस्त तक घर घर में चलेगा अभियान। छिंदवाड़ा में एक झड़ी के सहारे 6000 सांपों का रेस्क्यू। पांडुना में है 4 प्रजाति के जहरीले सांपों का डेरा। जान जोखिम में डालकर पकड़ता है सांप। इंदौर में नशे के खिलाफ लगातार हो रहा एक्शन। ऑपरेशन ईगल क्लो में 27 पर कार्रवाई। नशा करते पाए गए आरोपी। भोपाल के हमीदिया में भोपाल का पहला स्क्रीन बैंक 15 लाख रुपए की लागत से हुआ तैयार। 50% से अधिक झुलसे मरीजों को मिलेगा लाभ। पन्ना में हरघर तिरंगा अभियान। BJP कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। प्रत्येक घर तिरंगा फहराने की अपील। पार्टी कार्यकर्ताओं को मिले निर्देश। ग्वालियर में रोजगार मेले का आयोजन। श्रीमंत माधवराव सिंधिया आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में लगा मेला। 13,082 पदों के लिए भर्ती की नई। कटनी में सड़क को नुकसान पहुंचाने का मामला। बरही थाने में दर्ज हुई FIR। पिता पुत्र के ऊपर सड़क खोदने का आरोप। कटनी में बारिश में टनल की खुदाई खतरनाक। खेत खलियानों में मिट्टी धसक रही। 3 स्थानों पर मिट्टी धसकने की घटना। इंदौर में लाडली बहनों को CM का तोहफा। महिलाओं में खुशी के लिए पार्षद प्रतिनिधि का कांग्रेसियों पर हमला। कहा BJP को बदनाम करने की कोशिश। भोपाल में NSUI का मांग पत्र जारी। NSUI की बैठक में शामिल हुए पटवारी। NSUI कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। बड़वा में नपा एवं जनपद पंचायत रक्षाबंधन कार्यक्रम संपन्न। लाडली बहनों को मिले 1500 रुपए। स्व सहायता समूह और आंगनबाड़ी की महिलाओं ने बांधी राखी। करेली में तिरंगा यात्रा का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के लिए किया जागरूक। CM के कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। बैतूल में तिरंगा अभियान को लेकर प्रेस वार्ता। पूर्व सांसद और विधायक ने की चर्चा। 13 से 15 अगस्त तक घर घर में चलेगा अभियान। बुधनी में ई सेवा केंद्र का लोकार्पण। तहसील न्यायालय परिसर में हुई शुरुआत। अब तक एक जगह से मिलेगी जानकारी। व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छतरपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के 3 जर्जर भवन गिराए गए। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर कार्रवाई। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए की गई कार्रवाई। छतरपुर में CM राइज स्कूल का बुरा हाल। 200 छात्र 2 कमरों में पढ़ रहे। वहीं लेट लतीफी के चलते भवन नहीं हुआ तैयार। बहादुरपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान ने किया जागरूक। खरगोन में शिक्षक के खिलाफ ग्रामीणों में रोष। SP ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। शिक्षक शिकायत SP से की। शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। विभिन्न फसलों की 100 किस्म तैयार। कीटनाशक का कम उपयोग होने वाले बीज। करली में यात्री प्रतीक्षालय का शुभारंभ। पूर्व राज्यसभा सांसद ने किया उद्घाटन। फिलहाल इस रफ्तार में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए इस भारत के साथ।